प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन का तो केस सुलझा लिया, लेकिन इस केस को सुलझाने के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ये मामला इसलिए पूरा किया गया क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी की बात थी, और दूसरा सवाल ये कि क्या इससे पहले दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैद थी जो 24 घंटे में ये मामला सुलझा लिया गया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। हमारी इस खास पेशकश में आप पुलिस पर उठ रहे सवाल या निशानों के जवाबों को ढूंढेंगे। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों को माने तो इस साल 30 सितंबर तक झपटमारी और लूटपाट की वारदातें 5000 से ज़्यादा हैं, यानी मान के चलिए कि रोज़ 18 झपटमारी और 8 वारदातें लूटपाट की दिल्ली में होती रही हैं। ये हालात तब हैं जब स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस डेली गश्त लगाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में IPC के तहत 2.25 लाख से ज़्यादा मामले, डेली लूटपाट के 1500 से ज़्यादा मामले और चोरी के 1.5 लाख से ज़्यादा मामले पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं। आइए एक नज़र डालते हैं दिल्ली में अपराधों की बढ़ती संख्या में। दिल्ली में इस साल झपटमारी के 4762 मामले देखे गए हैं, वहीं लूटपाट के 1558, महिला अपराध के 9951, सेंधमारी के 2344, वाहन चोरी के 35191, वहीं घर में चोरी के 2044 मामले दर्ज किए गए हैं। इन आपराधिक वारदातों के बढ़ते आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि दिल्ली में पिछले 2 वर्षों के रिकॉर्ड के तहत VIP और खास लोगों के लिए पुलिस का रिकॉर्ड 98% तक सफल रहा है, यानी कि हर वारदात को लगभग सुलझा लिया गया है। लेकिन राजधानी में रह रहे करीब 2.25 करोड़ लोगों के बीच हो रही घटनाओं में पुलिस का रिकॉर्ड मात्र 46% ही सफल रहा है। ऐसे में साफ है कि पुलिस की कार्यशैली किस तरह की है और वह अपराध पर अंकुश लगाते समय आम और खास लोगों के बीच फर्क करती है। वहीं इन सारे आंकड़ों के बावजूद दिल्ली पुलिस का दमयंती बेन के मामले के बारे में ये कहना है कि मामला इसलिए 24 घंटे में सुलझा लिया गया क्योंकि पुलिस के पास CCTV फुटेज के अलावा कई ऐसे सबूत थे जो ये मामला जल्द पुलिस की पकड़ में आ गया। लेकिन फिर भी एक सवाल वहीं का वही है कि आखिर क्यों पुलिस CCTV फुटेज होने के बावजूद भी बाकी मामलों में नाकामयाब रहती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए नवोदय टाइम्स देखते रहिए।